वेल well, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं नेपाल भी हूँ काफ़ी अर्से से प्लान बन रहा था लेकिन ये अच्छी बात है कि क्रिकेट के ज़रिए यहाँ पे आया दो मैचेस के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए मैचेस के लिए पाकिस्तान एंड नेपाल की रिलेशनशिप जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आ, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैंने ये तीन दिन के अंदर देखा है जितना भी मैं लोगों से मिला हूँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार करते हैं जो इज्जत जो प्यार मुझे दिया है उन्होंने Tome Pagisanu. और वो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं कुछ फैमिली से मिला जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई काफ़ी ऑफिशल्स से मेरी मुलाकात हुई है जिन्हें मैंने खुद इनवाइट किया है पाकिस्तान के प्लीज़ आप लोग आएँ पाकिस्तान विज़िट करें कुछ लोग आ चुके हैं उनमें से पाकिस्तान उनकी दोबारा ख्वाहिश है तो मैं उनको होस्ट करूँगा इन रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हो किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से हो रिलेशनशिप हमेशा अच्छे होने चाहिए अगर अगर लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत है तो वाई नॉट पोलिटिकली हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी लेवल पर नेपाल की क्रिकेट आ, मुझे याद है कि अंडर नाइनटीन में पाकिस्तान को हराया था नेपाल ने आ, इसका मतलब है कि टैलेंट है और आ, जो मैं लास्ट मैच खेला हूँ कुछ लोकल प्लेयर्स मुझे नजर आए मेरी टीम के अंदर कुछ आ, संदीप और, और दूसरे ऐसे लड़के जिनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा केपेबल लड़के हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो नेपाल को कभी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा यहाँ पे और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की इन्वॉलमेंट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उनकी सपोर्ट होगी क्रिकेट एकेडमीज बनेंगी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी प्लेयर्स के लिए और ये सबसे अच्छा सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो नज़र आई है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो बहुत इंटरेस्टेड है क्रिकेट में स्पोर्ट्स में मैं एक एज ए प्रोफेशनल एथलीट मैं समझता हूँ कि क्रिकेट खेलता हूँ तो इसलिए मैं क्रिकेट की बात करूँगा या स्पोर्ट्समैन जो है वो हमेशा एक प्यार की जबान समझता है प्यार करने वाले लोग हैं अमन की बात करते हैं अमन होगा तो क्रिकेट भी होगी और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ जब वहाँ पे हमें काफ़ी थ्रेट्स मिल रही थी उसके बावजूद हमने इंडिया का टूर किया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम मैंने पाकिस् कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करती है अपने नेबर्स को मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान ने श्रीलंका में भी सपोर्ट किया श्रीलंका ने पाकिस्तान में सपोर्ट किया तो रिलेशनशिप क्रिकेट के ज़रिए इसलिए कि हमारे आ, आ, सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है पूजा जाता है इवन कि इंडिया में तो इस लाइक रिलीजन आ, तो क्रिकेट के ज़रिए हम अपने आपस के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं मेरे लिए नेपाल आने का मतलब ये था कि पहले नेपाल देखा नहीं था और आ, आ, मैं मैं 100 परसेंट फिट भी नहीं था मुझे इंजरीज थी आ, ऐसा लग रहा था कि टूर नहीं कर पाऊँगा लेकिन आ, मेरा मेन मकसद आ, क्रिकेट के जरिए प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम लेके आया हूँ यहाँ पे पॉलिटिक्स है आ, वो अपनी जगह लेकिन क्रिकेट से क्रिकेट डिप्लोमेसी एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिक्स है मेरा बिली व इस बात पे तो मैं उसी चीज़ को लेके यहाँ पे नेपाल पे आया हूँ और जो रिस्पांस मुझे यहाँ के लोगों से मिला है आउटस्टैंडिंग ये मेरी जिंदगी की खूबसूरत दिनों में से ये दिन होंगे और इन मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और नेपाल की टीम को मैं इन्वाइट करूँ पाकिस्तान इन शह वहाँ जा बात करूँ थ्रू एम्बेसी ये ये इनिशिएटिव इनिशटिव लाजमिलूँगा इसलिए कि मैंने पूरी तरह नेपाल देखा नहीं आज एक ट्रिप था मेरा माउंट एवरेस्ट देखा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा तो मैं चाह रहा हूँ कि फैमिली के साथ आऊँ ताकि मुझे घर जा भागने की जल्दी ना हो फैमिली मेरे साथ ही हो और मैं अपनी फैमिली को दिखाना चाहता हूँ इसलिए कि आप लोगों का यहाँ पे शहर इतना नहीं लेकिन शहर से बाहर जो दो तीन घंटे की ड्राइव पे जो दूसरी लोकेशंस है वो बहुत खूबसूरत हैं जो तस्वीरों में मुझे नज़र आई हैं तो वो लाजमी नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगा थैंक यू सो मच